Atul Chunov Zamni Khadi. चुकी है आखिर बीजेपी के बड़े चेहरे हैं जो कि टिकट पाने की रेस में है पर तोड़ बैठ के भी चल रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है बीजेपी है कन्नड़ में ताल ठोकने को अभी से और कांग्रेस में मचा सकती हैं कि पार्टी के पुराने हमारा मां बीजेपी की अहम बैठक नरेंद्र शामिल हुए सुभाष बराला की बीजेपी कार्यकर्ता है किसी भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ने दल से आज भर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के कुछ है कोई पहल करना टिकट का बंटवारा तीन से टिकट वाले दावेदार जेजेपी हो अभय चौटाला पर मजबूत कर ऐसे समुचक समय रहते अगर और कांग्रेस ने टीम को इन गले लगाने का मौका हाथ पो सियासत भी अपने आप में बड़ी अनु लेकिन हम के लोग भी होंगे कुछ खास मेहमान आज हमारे साथ बीजेपी आपका रमन मलिक साहब हैं बीजेपी के अजीत मेंदुला साहब सबसे पहला जी जी मैं आते चाह एक एक तरफ इसके सामने लेकिन फैसला की कमजोरी रही और आज उसी का क्या कहा नहीं कौन चुनाव लड़ाएगा कांग्रेस की चीज है अच्छा रहे
क्योंकि बीजेपी आज है लगता है गतवार है इस हाल के हमारी बहुत दलाल जी के महा आगे बात चल रही है तो राज्यसभा में आपको बहुमत अपना पार्टी क्योंकि आपके आपकी नहीं होनी है संदिग्ध रही है इस तरीके से कई बार पहले तो ये साथ है ना अब जब योग्य है तो अपने आप में और मैं आज भी एक पार्टी को देगी आपको उल्टा राजनीतिक अब देखो कि हमने उसको किसी वायदे पे नहीं उनको अगर आपकी पार्टी की नीति नहीं उसका चाहते हैं और राजनीति के जो भी विकास राजनीतिक चलाए वो लेकिन मैं ये भी बोलूंगा आपके पास था उन्होंने ठीक है नहीं नहीं आप बिल्कुल मेहंदोला आपके बीजेपी आप में दम है तो लीजिए या आइए लुक था अब योग्य है तो मिलेंगे अंकर कोई आ रहा है बहुत जल्दी टिप्पणी आपसे चाहूंगा भट्ट हुई कांग्रेस की क्या समस्या और समस्या का निदान वो भी है रीति नीति मानूंगा किसको भटकाने वाले
तो आप मतभेद जरूर हो सकता है, एक बड़ा कुनबा है सभी का ना, उसे भटका हुआ नहीं कहेंगे ना, भटका हुआ तो गलत होता है सर। अच्छा आपके पीछे मैं नहीं, आपके चेहलो जो विलुप्त हो चुकी है देखना, एक उसके पीछे भी दो कारण है, एक मानते हैं उसके तो आगे प्रवक्ता बैठे बोलिए वाले, तो चलिए आपके शब्द बीजेपी घुमाइए मत, जीत की सवाल कर मर्यादाओं की हरियाणा में कांग्रेस के ये इनकी बटन की टिक्की पहली बदल रही और फिर आपके पास आए कह रहे हैं हमसे आप भी आपके पास दो टिकट दे देंगे आने वाली पार्टी, और क्या समझ स्पष्ट कर दिया वो 90 के 90 कह दिया हमें और आपको कह जरूरत नहीं, स्पष्ट हो जाएंगी वो अपने कांग्रेस में रहकर हमारी विचारधारा, एक भी बैनर नहीं था राहुल का, कहीं एक भी फोटो नहीं था, पार्टी खुद मिल उनके एफटी के सदस्य हैं, उनके भटका अलग बात है, कांग्रेस पार्टी नहीं भटकी हुई, बदलाव की बात करनी और वहां इधर उधर खड़े हुए थे नीचे बैठे हुए थे बीजेपी ने किसी वाली बात कर दिया भगदड़ अभी बहुत जल्दी जो भाजपा की है का चुनावों के लिए चला है, वो आज कैथल में सबने देख ली किस मीट गए हैं घूसे मुक्के चले वो देख ली जिस तरह के हालात इन्होंने बिल्कुल सही बात की साहब, को करता और वोटर इकट्ठा करना चाहिए उम्मीदवार जाते ना आप भगदड़ का वेट आप क्या हमारे तो मार
छोड़ा था हमने कहा भाई साहब बात निकलेगी अरे आपको टिप्पणी करते बीजेपी भंगर मच जाए टिकट की सुखवंत आपने पीछे किसी पर जाने से हवा घटती है अगर बीजेपी हवा करती जिनकी स्वीकार करने में दो सुभाष जो आएगा उसको टिकट का वो बेवजह आए हैं क्योंकि टिकट की भी बहुत है क्या उसका वो है कि नहीं मेरा क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो नहीं थी आपकी पार्टी ये भी तो बात नहीं रहा आ रहा हूं सर आप ही के पास आऊंगा यशवीर का वो एक टिकट को लेकर बाकी क्या क्या कह रहे हैं आपने सुन तो ये कहेगी कि हम दूसरा ये एक कारण है ये ताकि मलाई मार्केट बिल्कुल और पार्टियां ने प्रदर्शन मान लीजिए रहता जी बड़ा मनोज की बहुत ज्यादा इनको मोह या मोहब्बत होगी
आगे है, इसलिए लड़ाई जी। और बात है प्रकाश धनखड़ ने कहा कि इस बार लगता भाजपा की टिकट मिल गई, तो वो सोचती है है कार भी लग रही है। रमन मलिक सुनना चाह रहे थे की तरफ से जेट कॉन्ग देखिए इन्होंने कांग्रेस तो अजय सिंह की कांग्रेस कुमारी पार्टी में भी प्रदेश दूसरा बात आप इस तरीके की अफवाहें पूरी राजनीतिक स्कोर कि वहां से पके भावना के साथ वो बैठे हुए स्पष्ट रूप से राजनीति के बात करते हैं उनसे मेरा विचार पक्का हो गया। एक विचारधारा से और कहीं रहेगी एक विचारधारा काल से बात या लेने का मन करता वो भी आए तो सत्ता रूप वो फर्क है। नहीं नहीं समझेगा और ऐसा नहीं है बाकी दलों पर उठ सकता है तो और दोनों के बीच अच्छी कर बहुत जल्दी से मंजुला साहब एक नहीं है हर आदमी होती पत्नी की जो स्थिति है देश में ठीक है इससे भी इनका किया जा सकता है कि बीजेपी अपने बीजेपी पालों तो वो निश्चित पर वो चाहता है। अब ये बीजेपी उसको रही बात
कांग्रेस के ख्याल से इतना कमजोर की परिस्थितियां आज 19 महीने अध्यक्ष रहे सब युवाओं वो तौर पर हरियाणा तरुण को देगा भूपेंद्र साल का होकर एक ऐसी राजनीति खेली थी उस उठने की कोशिश की कि वो अच्छे मुख्यमंत्री एक मुझे आगे लाना है यहां पर कि अब लोकसभा चुनाव में दुर्गति हो गई थी अब लोकसभा के बाद इस्तीफा दे दिया सोनिया गांधी ने कमान संभाली और गौर साहब कह रहे हैं आप अगर इंतजार कर रहे तो बात करें थे कर्नाटक में भी हम जीतते उस सभा बीजेपी जो आपने किया सारे देश को पता है आपको भागदड़ में से बचे हुए एक भी आदमी को नहीं देगी इनके आज कर दिया वो आदमी कैबिनेट की लीजिए मैं रमन सिंह मुद्दे पे करनी चाहिए धरातल पे कुछ नहीं करेंगे लोगों को दिखाते ये उनकी अपनी परंतु आज स्थिति सब जानते हैं विपक्ष कर रहे हैं कि भारत देखिए पुराना महुआ
आप देख लीजिए, वहां भी आपने उधार का कैंडिडेट लड़ाया, आपके पास उम्मीदवार नहीं थे। और हमारी जैसी जो एक छोटी पार्टी, जो नई पार्टी बनी थी एक महीने, हमने अपना उधार लिया और लड़ा। समय नहीं है सर, एक एक अरविंद जल्दी से। रमन जी बुरा ना माने, यमुना ने चुकाए फसलें, तो सबने देखा, परंतु ये समय है आप किसान मेरा भी ध्यान रखा जाए, ऐसा नहीं होता है। सवाल क्या है, अपने के लिए करने वाली समस्या है ये पार्टी, या अभी इस पर विचार भी आपको किस आधार पर समस्या करना किसी पार्टी में जाने किसानों को टिकट देंगे, किसानों को और किसानों के भी अच्छी बात हो। आपसे ही था जितने साधारण में बैठ के अच्छे लोगों के साथ आएगी मेरा पढ़ाने दिया था टिकट, ये मेरा सवाल आपका किसका है, आप अकेले नहीं है। जवाब कर दीजिए सब बहुत जल्दी से, छोटी सी टिप्पणी आपको साहब, कोई पहला मौका नहीं है का अच्छा, और यानी
परंपरा निभती रहेगी। मैं मुरीद हूं कि पे मैं रख रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, कि कभी पार्टी हरियाणा में सरकार बनी, भाजपा ने अपने है, अब ये जो हरियाणा में उत्तरी दलों से बिल्कुल बिल्कुल जी है उसका जल्दी से इतना कर फिर सवाल आ रहे अभिनंदन पिता भी हो पुत्र भी हो ऐसा जब ने अपने आप ठीक है ना, आपकी बात कैसे बदल जाए थे वो आए तो आने लगे है वो अलग मसला है। बहुत छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा, बदला है सर और आप बहुत जल्दी से रख कर मेरी बात जहां परिवार बीजेपी के से थे, लेकिन मैं इतना कहना चाहिए और जिनका फील्ड बीजेपी को आप नहीं स्वीकार करें, किसी को भी हम स्वीकार आश्वस्त हैं
अब भी कांग्रेस वकील चलता है कहीं ना कहीं टिकट को रहे हैं चूंकि आपके सामने नई चुनौती है लड़ाई भी कम आप दूसरों से अलग है जेजेपी लड़ेगी बहुत मजबूत कार्यक्रम हमारे शुरू होने वाले हैं एक अलग राष्ट्र मर्जी एक अपने क्षेत्र की बात की जो की है उसका था कि आज हेलमेट बांट रहे हैं हेलमेट और वो चलिए लेकिन आप तो टूट गया तो जल्दी से सुन लिया का भी उनका याद चुनौती आप कह रहे हो कि नहीं ऐसे कह दो आइडियोलॉजी में जो लोग बाहर गए हैं बिल्कुल भ्रमित होता भ्रमित नहीं होता सब तुम लगभग एक कौन था क्या भी हो बहुत दिलचस्प है महेंद्र साहब जल्दी टिकट के लिहाज से होगा देखना पड़ेगा लेकिन एक बार चुनाव आप तो बहुत इस जुट हो जाना में होगा तो वहां पे की पति को लाभ मिलेगा शुक्रिया महेंद्र साहब आपका भद्वा जी आपका सुमित का सुकंत और जा सकते या किसको